होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ मिस रोज़ के कंसीलर के बारे में, जो कि लिक्विड कंसीलर है और जो कि इस तरह का दिखता है। ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है और इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये दिखने में और लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है और इसको आप एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सनब्लॉक के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। और लगाने के बाद ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसको आप वैसे भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लगाएं और आप कोई भी फाउंडेशन ना लगाएं और सिर्फ आप अपने अंडर आइज़ को और सिर्फ अपने चिन एरिया को इसके साथ जो है कंसील कर लें, तो ये बहुत ही नेचुरल सा इफ़ेक्ट देता है फेस के ऊपर। ये आपके सारे स्कार्स और ब्लेमिशेस को रिमूव कर देता है और फेस पाउडर लगाने के बाद तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। मैं आपको ये टोटली रिकमेंड करूँगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूँगी कि मैं इसको जो है सनब्लॉक के साथ कैसे यूज़ करती हूँ और उसको देखने के बाद आपको टोटली यकीन आ जाएगा कि आपको किसी भी किस्म के फाउंडेशन की भी नहीं ज़रूरत। जब आपने अगर सिर्फ ये मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर लिया तो आपको किसी किस्म के भी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये एक ड्रॉप से भी थोड़ा सा मैंने सनब्लॉक लिया है और इसको ब्लेंड करने के बाद मैं इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि सिर्फ सनब्लॉक को यूज़ करने के बाद और अगर आप इसके अंदर जो है कंसीलर हल्का सा अप्लाई कर लें तो ये किस तरह का दिखता है। ये बहुत ही कंसीलर को सनब्लॉक के ऊपर अप्लाई करने के बाद और काफ़ी देर ब्लेंड करने के बाद ही कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है। और अब मैं इसके ऊपर कोई किसी किस्म का फाउंडेशन मैंने यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ कंसीलर ही यूज़ किया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कंसीलर और सनब्लॉक को दोनों को मिक्स करने के बाद ये किस तरह से लगता है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा सनब्लॉक लिया और थोड़ा सा कंसीलर लिया मिस रोज़ का और अब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करूँगी और ये बिल्कुल फाउंडेशन का एक शेड बन गया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी किस्म के फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ये एवरीडे लुक के लिए यूज़ किया जा सकता है और ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है और आपको किसी किस्म के भी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करें लाइक, शेयर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।